नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपने एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चन हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। आज देखिएगा आपका 22वां क्वेश्चन है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर आपको प्रूव करना है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस स्क्वेयर थीटा। मतलब कि बेटा आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने सबसे पहले लिया लेफ्ट हैंड साइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 कितना है थीटा है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन की पावर 4 थीटा और टोटल की पावर 2, क्योंकि 4 दूनी कितना हो गया 8। इसी प्रकार कोस की पावर 4 थीटा और टोटल की पावर कितना हो गया 2। यहां मैंने क्या लिखा, 8 को लिखा 4 की पावर, यहां कितना हो गया 2, और यहां भी 4 की पावर यहां कितना हो गया 2, क्योंकि आप जानते हो ए की पावर m और टोटल की पावर n किसके बराबर होता है, ए की पावर m गुणा n। तो यहां भी आपका आ गया 4 दूनी 8 और यहां भी 4 दूनी 8। यहां तक आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा बेटा, यहां आपने को एक फार्मूला दिखाई दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहां ए आपका है साइन की पावर 4 थीटा और बी आपका है कोस की पावर 4 थीटा। इसे सर्व समीका का प्रयोग किया और यहां आ गया, एक बार इनको जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो बेटा आपका आ गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इंटू में साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। यहां मैंने सर्व समीका का प्रयोग किया, मैं बड़े वाला ब्रैकेट यहां लगा देता हूं, अब देखिए यहां ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली सर्व समीका का प्रयोग किया तो आपका आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बेटा आप देखिएगा, यहां तो अपने को कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन स्केयर थीटा और इसकी भी क्या कर दी मैंने स्केयर। ऐसे क्वेश्चन में पहले 2 करवा चुका हूं इसलिए आपको शायद तक ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए कोस स्केयर थीटा और इसकी भी स्केयर कर दी। बेटा देखिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 मतलब कि ए की पावर m टोटल की पावर n, ए की पावर m गुणा में n। उसके बाद आप देखिए साइन स्केयर थीटा इसकी भी पावर 2 माइनस कोस स्केयर थीटा इसकी भी पावर कितनी है 2। समझ में आया होगा, 8 से मैंने 4 की यहां 4 और 2 लिखा, फिर 4 को मैंने 2 और 2 लिखा। अब यहां तो कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, साइन स्केयर थीटा और टोटल की स्केयर है प्लस कोस स्केयर थीटा और टोटल की पावर 2 है। बेटा फिर यहां फार्मूला देखो, ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर, जिस प्रकार ये सरल समीका यहां लगी है उसी प्रकार यहां लगेगी, ए स्केयर माइनस है बी स्केयर और किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, एक बार तो प्लस कर दिया, और साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा,
यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां सरल समीकरण का प्रयोग किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आपका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। ये वाला आपका सेम चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा टोटल की पावर है दो प्लस कोस स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर है दो इंटू में इसकी जगह मान एक रखा इंटू में आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रूव करना है, प्रूव करने में एक तो अपना निकल गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे आप देखिएगा, यहां से मैं फिर लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ध्यान से समझना बेटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की टोटल पावर है दो इंटू में आपका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे मतलब ये है बेटा, इतना तो जो आपको सिद्ध करना था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो इससे निकल गया, अब बच गया ये निकलेगा इससे। और इस प्रकार मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया, याद हो तो आपका प्रश्न संख्या था 12, आपका प्रश्न संख्या है 12। उसी प्रकार एक बार मैंने प्लस किया था और उतना ही क्या किया था माइनस। अब देखिए यहां साइन स्क्वायर थीटा टोटल की पावर है दो, 12वां क्वेश्चन था सेम ही ऐसा, कोस स्क्वायर थीटा और टोटल की पावर है दो। एक बार तो इसमें दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया, और एक बार मैंने दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार बेटा मैंने प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, जितना मैंने प्लस किया उतना ही क्या किया माइनस किया, और इनटू में आपका चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप बेटा देखिएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। यहां सरल समीकरण का प्रयोग हुआ ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस टू ए बी जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, और यहां ए आपका क्या है साइन स्क्वायर और बी क्या है कोस स्क्वायर। तो यहां आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इंटू में आपका क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। एक की स्क्वायर कितनी होती है, एक, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और बेटा यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, साइन की पावर आठ थीटा माइनस कोस की पावर आठ थीटा,
बराबर आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और अपना लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर आठ थीटा माइनस कोस की पावर आठ थीटा। अब बेटा देखिएगा, आठ को मैंने लिखा चार की, यहाँ कोस की पावर चार और टोटल की पावर कितनी दो, और आठ को चार और क्या लिखा दो। अब यहाँ सरल समीका का प्रयोग किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार इसको जोड़ दिया एक बार इसको घटा दिया। प्लस वाला चार है ना, चार चार को फिर मैंने क्या लिखा दो, टोटल की यहाँ पावर दो और टोटल की पावर दो, और दो और टोटल की पावर दो, दो और टोटल की पावर दो। अब बेटा देखो ये तो मैंने सेम लिखा, पहले इधर वाले को मैंने सोल्व किया, फिर यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला यूज हुआ, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, जोड़ दिया उसका मान कितना आ गया एक, जोड़ दिया उसका मान कितना आ गया एक, माइनस वाला आपने सेम लिख दिया, मतलब इतना पार्ट तो हो गया। अब इतना पार्ट चाहिए वो शुरू वाले से देखो, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले मैंने बारवा करवाया सेम ऐसा है कि नहीं। अब देखो यहां तक सेम है, अब इसमें मैंने क्या किया दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और इतना ही क्या कर दिया बेटा घटा दिया, तो यहां सरल समीका प्राप्त हुई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा a प्लस बी की होल स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है एक होता है, और माइनस का दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और आगे वाला मैंने क्या लिख दिया सेम लिख दिया, और यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं आए तो बेटा आप वीडियो को रिपीट करके देखना बार बार, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आए आ भी सकता है भी ये। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न आप देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये वाली एक्सरसाइज अगर आप है ना रूटीन से प्रैक्टिस करोगे, इसके जितने भी फार्मूले हैं अच्छे से याद करना, और ये एक्सरसाइज में ये प्रैक्टिस मांगती है भी, लगातार आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा आएगी ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपने अच्छी एक बार प्रैक्टिस कर ली ना फिर देखना ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। अब इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर है 23, आपका 23वां प्रश्न है बेटा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट sec थीटा ही है, sec थीटा प्लस वन बाय sec थीटा माइनस वन, sec थीटा प्लस वन और sec थीटा माइनस वन। अब देखिए ये रूट वाला है, एग्जैक्ट मैंने छठा क्वेश्चन करवाया था उसी के जैसा है, वहां तो साइन था यहां sec है, एग्जाम में कोस भी आ सकता है टेन भी आ सकता है, यहां चेंज होके कुछ भी आ सकता है वैसा ही जो क्वेश्चन आपका छह नंबर था। अब देखिए sec थीटा प्लस वन बाय sec थीटा माइनस वन का अंडर रूट बराबर प्रूव करना है cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cosec थीटा, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है। अब बेटा देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और आपका लेफ्ट हैंड साइड है sec थीटा प्लस वन sec थीटा माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है sec थीटा प्लस वन बटे में sec थीटा माइनस वन का अंडर रूट। अब बेटा आप देखिएगा, रूट का तो मैं रूट ही रखता हूं, sec किसके बराबर होता है एक बटे कोस के, एक बटे में कोस थीटा प्लस वन बाय वन, मान लू क्या एक बटे में कोस थीटा माइनस वन बाय वन, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखिएगा, सिर्फ मैंने sec को वन बाय कोस में चेंज किया है, अब यहां ऊपर वाले का मैं एलसीएम लेता हूं, क्या आ गया कोस थीटा, और यहां कोस को कोस से भाग दिया एक आ गया, एक प्लस कोस थीटा, ऊपर वाले का एलसीएम लिया और सोल्व किया, इसी प्रकार नीचे वाले का भी मैंने एलसीएम लिया
और सोल्व किया तो एक माइनस कोस थीटा आ गया, अंडर रूट। सेक थीटा को वन बाई कोस में चेंज किया, यहां जो भी आया उन दोनों का एलसीएम लिया और इसको सोल्व कर दिया। अब बेटा देखो भाग है, भाग को गुणा में चेंज करूंगा मैं, तो वन प्लस कोस थीटा बटे में कोस थीटा और इनटू में ये वाला कोस क्या चला जाएगा ऊपर और ये क्या जाएगा नीचे, तो आगे आपका कोस थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा। अब बेटा कोस से कोस क्या हो गया कैंसल, तो आपका आ गया एक प्लस कोस थीटा बटे में एक माइनस कोस थीटा। अब आपको साइन वाला याद आ गया होगा, नीचे वाले का साइन चेंज करके एक बार प्लस एक बार क्या करेंगे गुणा और एक बार क्या करेंगे भाग, तो एक प्लस कोस थीटा एक माइनस कोस थीटा को एक बार किससे गुणा किया, एक प्लस कोस थीटा से गुणा कर देंगे और एक प्लस कोस थीटा से ही क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो आ जाएगा एक प्लस कोस थीटा, एक प्लस कोस थीटा। अब बेटा यहां देखो ए प्लस बी क्या आ गया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो आपका यहां आता है एक प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। यहां फिर सर्वसमिका कौन सी लगी, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की स्क्वायर कितना हो गया एक, माइनस b की स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए बेटा, एक प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर तो ठीक है, यहां फिर सर्वसमिका लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब रूट हटा दूं क्या, रूट हटा दिया तो स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया एक प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया अलग अलग कर लिया, एक बटे साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर छह एक जैसा क्वेश्चन है, अब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर वो क्वेश्चन समझ में आया तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। वन बाय साइन क्या होता है कोसेक थीटा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट थीटा। अब मुझे बताएं आपको यही तो प्रूव करना था, यही क्या करना था प्रूव, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, सेक थीटा को वन बाई कोस में चेंज किया, उसके बाद इनका एलसीएम लिया, फिर भाग को गुणा में चेंज किया, जो कट गया उसको काट दिया, शेष बच गया, फिर इन दोनों को मैंने एक प्लस कोस थीटा से गुणा कर दिया और इसी से भाग दे दिया, तो यहां ये दो बार हो गया तो इसकी होल स्क्वायर आ गई। यहां सर्वसमिका लगी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां आ गया एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब बेटा यहां ये रूट कैंसिल हो गया तो स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इन दोनों को अलग कर लिया, वन बाई साइन होता है कोसेक और कोस बाई साइन होता है कोट थीटा, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा बेटा इससे अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है एक प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, एक प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में आपका है सेक की पावर तीन थीटा, सेक की पावर तीन थीटा माइनस कोसेक की पावर तीन थीटा, कोसेक की पावर तीन थीटा।
और बराबर बेटा आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है बेटा। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपका है एक प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में सेक की पावर तीन थीटा माइनस कोसेक की पावर तीन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब बेटा देखो वही एक प्लस कोट को मैंने चेंज किया कोस थीटा बटे साइन थीटा, ध्यान से समझना, टेन को चेंज किया साइन थीटा बटे कोस थीटा। अच्छा यहां एक एक बटा एक ही लिख दू ना मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में सेक किसके इक्वल होता है, एक बटे कोस के इक्वल होता है, तो यहां पावर तीन है तो क्या आ गया एक बटे कोस की पावर तीन थीटा। साइन बीच में माइनस का है, कोसेक होता है एक बटे साइन की पावर तीन थीटा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया। कोट को तो मैंने कोस बटा साइन में चेंज किया, टेन को साइन बटा कोस में चेंज किया, और सेक को किस में किया वन बाई कोस में, और कोसेक को वन बाई साइन में। जितनी पावर है उतनी मैंने लिख दी। अब सोल्व करता हूं ऊपर वाले को, ऊपर वाले का एलसीएम देखो बेटा क्या आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ गया, एक को भाग दिया तो साइन थीटा कोस थीटा है, एक से गुणा किया तो कितना आ गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, बीच में साइन है प्लस का, इसको इससे भाग दिया साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस कोस को कोस से गुणा किया क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम तो आपको अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोस को कोस से भाग दिया क्या बच गया साइन, साइन को साइन से गुणा किया क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में या मैं सीधा ही लिख सकता हूं, इनटू में ये ब्रैकेट में लिख दूंगा, इनटू में आपका है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बटे में बेटा इनका भी एलसीएम लूंगा क्या आ गया कोस की पावर तीन थीटा साइन की पावर तीन थीटा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाले का एलसीएम लिया अब नीचे वाले का एलसीएम लूंगा, तो कोस की पावर तीन थीटा कोस की पावर तीन थीटा कैंसल, क्या बच गया साइन की पावर तीन थीटा माइनस का, ये आपस में कैंसल, क्या बच गया कोस की पावर तीन थीटा। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो ए बटा बी सी बटा डी, अच्छा उससे पहले मेरे को ये बताओ, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं यहां ए माइनस बी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी किसके इक्वल होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था याद हो तो, आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले करवाए थे। अब देखो ए माइनस बी ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस ए बी है कि नहीं, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं ए की क्यूब माइनस ए बी की क्यूब, इस जगह मैंने लिखा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और ए आपका कितना है बेटा इसमें देखिएगा, ए आपका है कोस कोस की क्यूब थीटा माइनस साइन की क्यूब थीटा। बोलो समझ में आया, या ए आपका कितना है साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये भाग में है, भाग को किस में चेंज करूंगा गुणा में, तो आपका क्या आ गया कोस की क्यूब थीटा इंटू साइन की क्यूब थीटा बटे में आपका है साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा। ये आपस में क्या हो गया बेटा कैंसल,
साइन की क्यूब है, नीचे एक है, कट गया तो कितना बच गया, स्केयर कोस स्केयर थीटा, ये वाला। इसी प्रकार कोस का कोस से कट गया, साइन का साइन से कट गया, क्यूब है बटे में एक एक है, एक कैंसिल हो गया, तीन से कितने बच गए, दो, तो आपका आ गया कोस स्केयर थीटा इंटू में साइन स्केयर थीटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करवाता हूं आपको, एक प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर प्रूफ करना है साइन स्केयर थीटा इंटू में कोस स्केयर थीटा। उसके बाद आप देखिएगा बेटा कि यहां कोट थीटा को तो मैंने कोस बटा साइन में चेंज किया, टेन थीटा को साइन बटे कोस में चेंज किया। उसके बाद आप देखिए ये वाला मैंने सेम लिखा, उसके बाद ये मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपने को ये प्राप्त हुआ, नीचे वाले का एलसीएम लिया ये प्राप्त हुआ, उसके बाद यहाँ a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी वाला फार्मूला लगाया तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 जो कि आपका a क्या है साइन थीटा, b क्या है कोस थीटा, इन तीनों की पावर 3 और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटा ये भाग में है, भाग को चेंज किया गुणा में तो ये आपका क्या आ जाएगा ऊपर और ये क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ ये आपस में क्या हो गया बेटा कैंसल। अब साइन थीटा है और ऊपर साइन की पावर 3 है, भाग देंगे तो साइन की पावर कितनी बच जाएगी 2 और कोस की पावर 3 है, कोस थीटा है, कोस की भी पावर कितनी बच जाएगी 2। तो यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, इजी सा प्रश्न है बेटा, एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न अच्छे हैं। और आपको मैं ये बता देता हूं ये एक्सरसाइज में से एक प्रश्न आता है 6 नंबर का, इसलिए इनकी प्रैक्टिस किया करो, और फिर भी कोई डाउट आए तो ना आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं अगली क्लास में सबसे पहले वही सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे।